नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए भारत के सबसे छोटे ट्रैक्टर। इनकी साइज पे मत जाना किसान भाई, इनका काम भी दिखाएंगे कि ये काम कितना निकालता है। जो ट्रैक्टर काम करता है एक बड़ा वाला ट्रैक्टर, वो सभी प्रकार का काम ये मिनी ट्रैक्टर करेंगे। और इनको हम पावर मिनी वीडर के नाम से जानते हैं, कुछ किसान भाई मिनी टेलर के नाम से जानते हैं। जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और संपूर्ण जानकारी आपको आज वीडियो के अंदर मिलेगी, तो इस कमाल के वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर, जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल, किसान साथियों को मेरा प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आके किसानों को अपने चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी मशीनों की जानकारी दे रहे हैं। किसान साथियों, मेरा नाम महेश सेशमा है, कंपनी का नाम राजधानी एसोसिएट्स है। हम पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी तरह की मशीनरी, यूनिक मशीनरी, जो विदेशों में मशीनरी आती है उसको हम यहाँ डेवलप करके ऑल ओवर इंडिया सप्लाई का काम करते हैं, और सप्लाई के साथ साथ सर्विस का भी हम पार्ट देखते हैं। तो हम किसान भाइयों को समय ज़्यादा नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इनके साइज पे मत जाइए किसान भाई, इनके काम, तो इनका काम बताइए किस प्रकार काम करेगा। बिल्कुल, आपने साइज का कहा तो मैं कहूँ ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है भाई। ये दिखने में बिल्कुल आपको छोटी मशीन लग रही है, लेकिन जहाँ ट्रैक्टर नहीं चल पाता, जैसे गन्ने के बीच में गुड़ाई करनी हो, खरपतवार वगैरह उग जाती है, वहाँ ये गुड़ाई कर सकता है। खरपतवार को नष्ट करने के साथ साथ मिट्टी को भी ये पूरा रोटेट करके एकदम अपने राजस्थान में चूरमा होता है, एकदम भुरभुरी कर देता है। इसके साथ में सब्जियों के लिए क्यारियाँ तैयार करनी हो, बगीचे लगा रखे, बगीचे में पौधों के चारों तरफ अपने को गुड़ाई करनी हो, क्योंकि खरपतवार काफ़ी उग जाती है वहाँ पहाड़ी एरिया में, वहाँ ये मशीन बहुत ही शानदार और जबरदस्त काम करती है। जैसे कि आपने मशीन की जानकारी दी, वो तो बहुत ही शानदार है जी। इसका किस प्रकार ऑपरेट रहेगा वो किसान भाई को बताइए आप। बिल्कुल, मैं पूरा बताता हूँ। ये टू स्ट्रोक का मॉडल आता है, 3.5 HP इसकी पावर है, 68 CC का इसमें इंजन लगा हुआ है। इसमें ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको पेट्रोल में 1 लीटर के साथ 35 से 40 ml ट्यूटियल मिक्स करना होगा। टू स्ट्रोक की कोई भी मशीन हो, उसमें पहले जैसे स्कूटर में भी पेट्रोल डलवाते थे तो टंकी में ऑयल डालते थे, वही सारा सिस्टम इसमें। और रिकॉइल का स्टार्ट का सिस्टम आता, आराम से रस्सी खींच के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ऑन ऑफ का स्विच, एक्सीलेटर वगैरह सारा इसका हाथ में आता है। तो किसान भाई को कितना आसान होगा चलाने में? बिल्कुल, इसको चलाना और लाना ले जाना दोनों ही आसान है। ये लाइट वेट होने के कारण इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। भाई पहाड़ी एरिया पे चढ़ना है तो पहाड़ी एरिया पे ज्यादा भारी मशीनों की तो कोई साधन तो वहां जाता नहीं है, तो इसको आराम से वो उठा के भी ले जा सकते हैं। और इसका एवरेज, इसका 1 घंटे का 1 से 1.25 लीटर की इसकी पेट्रोल की खपत आती है, और यह है 1 बीघा के आसपास आराम से घंटे भर में गुड़ाई कर सकता है। क्या क्या काम करेगा ये? गुड़ाई के जितने भी काम होते हैं, खरपतवार को नष्ट करना, मिट्टी को रोटेट करना, पेड़ पौधों के चारों तरफ मिट्टी की निराई गुड़ाई करना, सब्जियों के लिए मिट्टी जो अपन कहते हैं भुरभुरी करना, वो सारे काम ये करता है। और अगर इसकी सर्विस की बात करें तो? बिल्कुल, टू स्ट्रोक में सर्विस का वैसे कोई ज़्यादा रहता नहीं है, पेट्रोल के साथ में हर बार ऑयल मिक्स करके चलाना पड़ता है। और इसमें सर्विस का देखो दो चीज़ें हैं, एक तो जहाँ अगर दिन में ज़्यादा अपन ने काम किया और मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, तो इसको शाम को अपन घर पर लाएँ रखें तो इसको साफ करके वापस खुद ही लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके कार्बोरेटर की रहती है, तो इसका 10-15 दिन में एक बार कार्बोरेटर खोल के पेट्रोल से वापस साफ करके आप लगा सकते हो। ये अगला वाला मॉडल देख रहे हैं, इसके बारे में? बिल्कुल, ये दोनों मॉडल सेम है, कलर का फर्क है इसमें। ये ऑरेंज कलर में कई एरियो की डिमांड रहती है कि वहाँ व्हाइट कलर ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, कईयों की रहती है कि वहाँ ऑरेंज कलर ज़्यादा चलता है, तो उस हिसाब से कलर अलग अलग हैं। और दोनों सेम है, सेम इसमें ब्लेड सिस्टम है, सेम टायर वगैरह लगे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इसको आसान होता है। तो आपने इन के बारे में बहुत ही अच्छी किसान भाई को जानकारी दी। कुछ समय चलने के बाद मशीनरी है, कोई भी आइटम स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो किस प्रकार रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, मशीनरी चाहे 50 रुपये की हो, चाहे 5 लाख की हो, चाहे 50 हज़ार की हो, आज नहीं तो कल भविष्य में उसके पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। पार्ट्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे कंपनी में सर्विस सेंटर के नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, पार्ट्स की फ़ोटो भेजिए, हम अवेलेबल करवाएंगे। 1 साल की इंजन की वारंटी आती है और लाइफ टाइम सर्विस फ्री रहती है। राजधानी ब्रांड की कोई भी मशीन हो, हम लाइफ टाइम सर्विस फ्री देते हैं। इसके साथ में आपने कहीं से भी मशीन खरीदी हो, चाहे ऑनलाइन किसी दूसरे दुकानदार से, आपके पड़ोस से, आपको वहाँ सर्विस नहीं मिल पा रही है, पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर आपकी अपनी कंपनी में फ़ोन कर सकते हो, यहाँ से हम आपको उस मशीनरी के पार्ट भी अवेलेबल करवाएंगे। कोई किसान भाई को पसंद आता है, वो घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो वो किस प्रकार मंगाएगा ये जानकारी दे। बिल्कुल, घर बैठे आपको मंगवाना है तो हमारा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, 7 से 9 बजे तक आप उस पर फोन करिए, मशीन की पूरी जानकारी लीजिए, इसके फोटो वीडियो मंगवाइए, आपको पूरा पसंद आता है तो 2000 रुपये हमारे करंट अकाउंट में डालिए कंपनी में। वो बुकिंग के लिए है, वो ये मत समझना कि भाई कि पैसे ले लिए मशीन नहीं आनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बुकिंग के लिए है। कई बार जैसे पहले हम COD पे पूरा करते थे 100%, लेकिन उसमें मशीन पहुंची तो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई या नहीं
लेनी है तो आने जाने का कंपनी के काफ़ी नुकसान हो जाता था, तो उसके लिए एज ए सिक्योरिटी लेते हैं। बाकी 24,000 रुपये की टोटल मशीन है, 2,000 पहले देने, 22,000 रुपये आपके घर तक मशीन पहुंच जाए उस टाइम देने हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि कंपनी में आके हम मशीन लें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कंपनी में आइए, मशीन को चला के देखिए, सारी इसकी जानकारी लीजिए। इसके अलावा और भी हमारे पास कई तरह की मशीनरी है, उनकी भी जानकारी लीजिए। आपको जो जो पसंद आता है वो आप यहाँ पेमेंट करके ले जा सकते हैं। किसान भाई, आशा करते हैं कि ये जो छोटे ट्रैक्टर है, पावर मिनी वीडर है, ये आपको बेहद पसंद आएगी, और इनमें आपको क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट करें। और अगर आपके मन में कोई भी संकोच है, कोई भी सवाल है, तो आप सर के जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं तो आप इनसे बात करके इनकी जो भी टीम है वो आपकी पूरी सहायता करेगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।